क्लच में तो वो वाली प्रॉब्लम ही नहीं है, गियर ना इसके गियर अटकते। अच्छा। हार्ड और गियर हार्ड होने में और गियर अटकने में फर्क है भाई, ठीक है। इसके गियर अटकते हार्ड है लेकिन अटकते नहीं है, उसके गियर अटकते हैं। मान लो जैसे मैं चौथा लगा तो या सी बी करने लग जाती है, वो ही बता रहे हो ना भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के नाम पे सी भी नहीं है। देखो वो देख रहे भाई आशीष भाई क्या है ये, कहाँ पर है ना ये, देखो क्या है ये भाई, मतलब कोच पोच है 120 पे जाते ही और कितना लाइट यार। हां जी, की हाल चाल वीरो भाई, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में जो है स्कॉर्पियो एन के ओनर मिस्टर अरुण भाई हमारे साथ। कैसे हो भाई, पहले से बताओ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लेफ्ट नहीं मिलाते भाई, सॉरी। तो एक आदमी वो था ना, चलो छोड़ो। सो भाई, भाई का स्वागत है हमारे चैनल पे। और स्कॉर्पियो एन भाई चला रहे हैं 4 महीने से भाई, आज आपको एक गाड़ी दे रहे हैं चलाने के लिए, स्कॉर्पियो क्लासिक। हालांकि भाई आपकी फेवरेट गाड़ी नहीं है, बट लेकिन एज ए जेन्युइन ऑनर, ऑनर नहीं जेन्युइन कस्टमर, या एक नॉर्मल वे में अगर बोले तो एक गाड़ी चलाने में आपको क्या एक्सपीरियंस और डिफरेंस फील करोगे आप, वो बस आपको शेयर करना है। कि स्कॉर्पियो चलाने के उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स, वो सारी चीजें हम बात करते हैं ना, तो इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स, वो इसकी जो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, तो उन सब चीजों में आई वॉन्ट कि आप एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। सो चलते हैं भाई एक बार गाड़ी के अंदर डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नीचा तो है यार इसका सिस्टम, नीचा है मतलब पहले स्कॉर्पियो बड़ी ऊंची लगती थी, पर ये तो सच में नीची सी है। अब कंपैरेटिवली बात करो तो नीची सी है, चौड़ी तो लगती है यार ये, क्योंकि इसका कलर वगैरह देखोगे ना थोड़ा तो ये कंफर्टेबल लगती है क्या आपको, बड़े ऊंचे लग गए यार ये तो। मेरे ख्याल से थोड़े से नीचे लोअर होते थे, वेट नहीं हो रहा यार अब तो, ये वो बंद कर दी इसकी वाइब्रेशन वगैरह इसमें खत्म कर दी, वरना पहले इतना लंबा था ठीक ऐसा गियर नोब हुआ करता था, बड़ी वाइब्रेशन वगैरह हुआ करती थी। चलो एक बार देखो क्या चला के, 30 BHP कैसे चलेगी भाई इसकी ना। क्लच बहुत सही है यार, क्लच एकदम एकदम रिस्पांस करता नहीं, मतलब उसमें तो यार ऐसे घिसती है किसी उसमें दिक्कत हो, मतलब ऐसे लोहे से में घिसती है, इसमें तो बड़ी स्मूथ बढ़िया क्लच है यार एकदम से। अच्छा, ऐसी चाहिए इनमें भी हमको। अरे वाह, अरे महिंद्रा वालों यार ऐसी क्लच दे दो भाई यार, तुम क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को यार, सच में इसकी क्लच में तो वो वाली प्रॉब्लम ही नहीं है, गियर ना इसके गियर अटकते। अच्छा। हार्ड और गियर हार्ड होने में और गियर अटकने में फर्क है भाई, ठीक है। इसके गियर अटकते हार्ड है लेकिन अटकते नहीं है, उसके गियर अटकते हैं। मान लो जैसे मैं चौथा लगाना है, उसका गियर मेरे को पहले ऐसे ढूंढना पड़ता है किधर साइड लगेगा, क्योंकि वो एकदम से नहीं लगता। अच्छा। इसका अगर थोड़ा इधर भी लग रहा है तो लग जाएगा। अच्छा, ऐसा वाला सीन है। ओके। इसमें भी 6 गियर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो पिकअप का तो देखो भाई, इसमें पिकअप अच्छा यार, पिकअप सही है। अरे बढ़िया एकदम, पहली बार चला रहा हूँ मैं ये। अच्छा यार, पावर मेरे को सेम सी लग रही है यार, यार पावर सेम सी लग रही है इसकी तो बिल्कुल ही। स्कॉर्पियो एन के, हाँ स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में देखो तो बिल्कुल ही वही वाला हिसाब है। ये 180 तक स्पीड मार्किंग है। हाँ 180, लेकिन एन 180 चढ़ जाती है, 180 से ऊपर तो नहीं जाती, लेकिन वो कैप्ड है 180 पे। अच्छा, यार इसकी माइलेज मतलब बढ़िया है यार, इसका पिकअप विकअप भी बढ़िया है एकदम जबरदस्त, पर वही है ना यार इसमें लग, मतलब इसमें वो वाली फील नहीं है जो ड्राइविंग वाली होनी चाहिए, ड्राइविंग डायनामिक्स। हाँ इसमें वो वाली चीजें मिसिंग है भाई, इसमें मतलब इधर उधर खिलती डुलती है यार, ये मजाक सा करती है ड्राइवर के साथ, बॉडी रोल झूला। हाँ झूला झूलती है यार ये, लो 60 पे है, उसपे सिम कर रहे थे, देख रहे हो लगता है ना डर, डर से आदमी कहाँ पे जाए ऐसे, इतना भाई भूत देख के ना डरे। अब आप खुद बताओ यार, नहीं बाहर से ना निकलते, मेरे तो कसम से छाती से बाहर आ जाती। गाड़ी पास है यार, भगाने मामले में तो एकदम पास है, लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं है यार। अच्छा, या तो हो सकता है मैं यूज टू नहीं हूँ भाई, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाला जो ट्रस्ट बोल रहे हो आप। ब्रेक्स भी मतलब उसकी ब्रेक्स तो बहुत ही एक्सीलेंट है ये, हाँ, की ना ये, हाँ, हाँ, हाँ। और माइलेज मतलब उसका पिकअप थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है यार, ब्रेक्स भाई बिल्कुल बढ़िया नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है ब्रेक्स इसकी। अच्छा, एन से आप कंपेयर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अब देखो, अब मैं 80 पे हम अगर आप झूला मारते देखो ये नहीं लगती मुझे किसी दिन इस टाइप। देखो स्टीयरिंग कैसे हिल रहा है, कैसे कांप रहा है स्टीयरिंग, करेक्ट कैसे हिल रहा है यार, खुद ही मतलब खुद ही अपने मन मर्जी टेस्ला बना पड़ा मर जान को, एडवांस वडांस है नहीं इसमें, लेकिन एडवांस जैसे काम करेगा,
एडास में क्या होता है, जैसे मान लो लेन है वो हमको होल्ड करके रेजिस्ट करती है। अच्छा, ये खुद ही इधर उधर हो रही है यार, जैसे वो हमको ऐसे इधर उधर करती है ना, ये खुद ही इधर उधर कर रही है। वो भी 120 पे पहुंचा देते हैं और स्टीयरिंग देखना है अब सही 80 पे करने लग जाती है। हां हां वो ही बता रहे हो ना भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के नाम पे सी भी नहीं है। देखो वो देख रहे भाई आशीष भाई, क्या है ये, आए कहां पर है ना ये, देखो ये क्या है ये भाई, कोच पोच है 120 पे जाते ही, और कितना लाइट यार, यही तो मैं बोलता हूँ हर बार भाई, मैं तो कभी एक्सेप्ट ना करूं इसको, इस वाली चीज को सच में यार, ये तो बहुत ही निराश करने वाली चीज है यार। के बारे में तो ये जो चीज अभी आपने लास्ट में अभी रेस की है ना, जैसे जैसे हाई स्पीड में जाएगी गाड़ी स्टेयरिंग और ज्यादा एकदम लाइट हो जाता है, तो बाकी स्कॉर्पियन में ऐसा नहीं है, उसमें हाई स्पीड में हार्ड हो जाता है। लोग बताते हैं वाली प्रॉब्लम, नहीं बताते, अरे लोग क्या है ना ये क्लासिक को लेके ना बड़े थोड़े वो रहते हैं, क्लासिक वाली चीज को लेकर, क्योंकि लोग थोड़े दूसरे टाइप की कैटेगरी में लेते हैं ना, फिर वो थोड़ी हवाबाजी सी में रहते हैं कि एक स्कॉर्पियो है, अंदर की रियलिटी उनको भी पता होती है पर बताना नहीं चाहते। वो सही बात नहीं भाई, मैंने तो अपनी सारी वीडियो में बताया कि इसको 100 से ऊपर चलाने नहीं है, 100 से ऊपर चलाओगे तो आप अपने लिए जो है रिस्क, किसी को ऐसे बता रहा ना कि बुरी है या बुरी है, आपको पता है ये चीज तभी लोगे, आप सबको पता होती है ऐसी वाली चीज है, बाकी ये 120 से ऊपर चलाने की गाड़ी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बाकी प्यार से चलाओ अगर 100 तक, हाँ। तो जितना चलानी चाहिए फिर तो भाई गाड़ी फन भी देती है, ऐसी बात नहीं है, और पिकअप विकअप भी, हाँ 7 सीटर आराम से 7 बंदे आराम से लेके जाती है, फिर जो नाम है और जो रोड प्रेजेंस है वो अनमैचेबल है यार, बाहर से तो गाड़ी एकदम ही सुपर दिखती है ब्लैक कलर में, बहुत फैंटास्टिक, कोई होड़ ही नहीं है इसकी। सो भाई मतलब पास नहीं है और फेल भी नहीं है ऐसा कुछ ना, मेरे को पसंद नहीं है मतलब, नहीं टोटल ओवरऑल आप एज अ कस्टमर आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई है तो पास फेल ओके ओके, देखो सच बताऊं तो कोई बुरा ना माने, मैं फेल कहूंगा, मैं 14 लाख में क्रेटा ले लूंगा उसका एस डीजल में, क्या बात है सच बताऊं, क्योंकि ड्राइविंग भी मैटर करती है ना आशीष भाई, वो वाली चीज नहीं मिलेगी तो भाई फिर बंदा उदास हो ही जाएगा। और चलो भाई आ जाओ बाहर एक बार, सो ये भाई ने यार बहुत ही अच्छे से सारी चीजें कवर करी है, बिकॉज स्कॉर्पियो एन ऑन करते हैं भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक चलाने के बाद तो इन्होंने सारी चीज अपनी बता दी भाई, कैसा लगा इनको गाड़ी चलाने में, और आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी भाई ने जो चीजें रिलेट करने की कोशिश करी है, आप रिलेट कर सकते हो अपने साथ में, सो थैंक यार, दोनों जाट भाई हैं मजे लेते रहते जिंदगी के, पता चले कोई भाई बोले कि नहीं स्कॉर्पियो की भाई बुराई बहुत ज्यादा कर दी, ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं नहीं भाई मैं चलो भाई सुनना नहीं चाहते जिनको जिंदगी गुजारनी है, चलो भाई थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू भाई, और भाई मिलते हैं नई वीडियो में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।